मध्य प्रदेश के सीधी जिला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां टीकरी की भूमिका रेत खदान में चल रहे अवैध उत्खनन के मामले में सीधी कलेक्टर दिलीप कुमार का आश्वासन है कि जल्दी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की भूमिका रेत खदान में 5 पोकलैंड मशीन लगाकर नदी को बांधकर किस तरीके से रेत माफियाओं द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जहां जिम्मेदार अधिकारी पर भी सवाल उठ रहा था, जहां सीधी कलेक्टर दिलीप कुमार ने जल्दी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। भूमिका रेत खदान में सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है खुलेआम नदी के बीच में मशीन लगाकर रेत उत्खनन किया जा रहा है, साथ ही वहाँ के लोगों को रोजगार की काफी समस्या है, लोग भी पलायन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि किसी भी रेत खदान से अंदर से नदी में रेत में उतार कर मशीन के उपयोग नहीं किए जा सकते। यदि भूमिका में ऐसी कोई बात है, जैसे भी मुझे परसों भी किसी ने रात में 11:30 बजे फोन किया, तो हमने पुलिस के और अन्य लोगों को भेजा भी था, और यदि ऐसी स्थिति है तो हम अभी आज भी पूरी टीम को भेजते हैं और उसकी जांच कराने की कार्रवाई सूचना है। वैसे सर, यदि बार बार किसी ठेकेदार द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, गलत वो नहीं कर सकते हैं सर, तो क्या कार्यवाही है सर? मतलब उसमें लीनियस भी हो सकती है। जी,